हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके CUT एंट्रेंस के स्टूडेंट है, DUT एंट्रेंस के स्टूडेंट है, IIT जैम बायोटेक के स्टूडेंट है, गेट, ICMR या फिर आपका सबसे फेमस आपका CSIR नेट का जो एग्जाम है। तो बात करते हैं कि हमें बायोलॉजी में नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो ये बात जानने के लिए सबसे जरूरी है कि व्हाट इज नोट मेकिंग, नोट मेकिंग क्या होती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें कि नोट्स बनाना क्या होता है, तो नोट्स बनाने का मतलब है आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है, आपको कुछ कॉपी के ऐसे पन्ने तैयार करने हैं जिसको पढ़ते टाइम आप अपनी पूरी जो नॉलेज है, पूरी जो डीप नॉलेज है उसको रिवाइज कर सकें और उसका साइज बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्रिसाइज्ड हो। तो ये शॉर्ट और ये जो शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स हैं ये हमें कैसे तैयार करने हैं ये मैं आज आपको आपकी क्लास में बताने जा रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, नोट बनाने का मतलब है अगर आपने कोई टॉपिक किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, कोई भी टॉपिक आपने किसी भी स्टैंडर्ड बुक से 20 पेजेस में कंप्लीट किया है तो इसकी जो डीप नॉलेज है वो बस आप 3-4 पेजेस में लिख लें और जब भी ये 3-4 पेजेस आप रिवाइज करें तो आपको ये 20 के 20 पन्ने पूरे आपकी आंखों के सामने आ जाए। इसी को हम लोग कहते हैं नोट मेकिंग, मतलब शॉर्ट प्रिसाइज डीप कंप्लीट नॉलेज कंटेनिंग पेपर्स। आ गई बात समझ में, इसी को हम लोग कहते हैं नोट मेकिंग। तो बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में हमें नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए ये आज आप मैं आपको सिखाने जा रही हूं। तो पूरी वीडियो हम लोग जरूर सुनेंगे तभी मजा आएगा और तभी आप लोग सीख पाएंगे कि हाउ टू मेक नोट्स इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं और नोट्स में अपनी डेफिनेशन को नोट करते हैं। लेकिन ये काम हमें नहीं करना, ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना। मतलब अगर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका सेल साइकिल, तो बच्चे क्या करते हैं पहले सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखते हैं नोट्स बनाते हुए सुंदर सुंदर। ये सारे काम कंपटीशन में काम नहीं आने वाले, ये सारी बातें आपकी कंपटीशन में काम नहीं आने वाली। कई बार क्या होता है कुछ कुछ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनसे कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सारी डेफिनेशन भी आपको थियोरिटिकल फॉर्म में कभी नहीं लिखनी चाहिए। मतलब डेफिनेशन जो है हमें कभी भी थियोरिटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम है। किसी कहानी को सिर्फ सुनना बहुत बेकार लगता है, लेकिन अगर उसकी पिक्चर दिखाई जाए, उसको कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें वो कहानी स्टोरी देखना बहुत अच्छा लगता है। यस और नो? तो सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं पॉलिनेशन का। बायोलॉजी में एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में सुन लेते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब एक फूल के अंदर जो स्टेमन और जो पिस्टल प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन के पास जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं उसको जब हम पिस्टल के स्टिग्मा पे लैंड करवाते हैं, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। हमें इस डेफिनेशन को 3-4 लाइन में लिख के कंप्लीट नहीं करना। कई बार डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें डेफिनेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमें अपने नोट्स बहुत शॉर्ट रखने हैं ताकि एग्जाम टाइम पे हर सब्जेक्ट का एक पूरा रजिस्टर भर के तैयार ना हो, 3-4 सब्जेक्ट का मिला के एक रजिस्टर तैयार हो, ताकि हमें CSIR नेट में जैसे 13 यूनिट पढ़नी पड़ती है, MSc में 10-12 यूनिट पढ़नी पड़ती है, तो हमें एंड में इतने सारे रजिस्टर रिवाइज ना करने पड़े, हमें 3-4 रजिस्टर रिवाइज करके पूरे जो एग्जाम की तैयारी है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो हमें सिंपल इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना है कि हमारे जो पोलन ग्रेन है अगर वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, वो लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, इसी चीज को पोलिनेशन कहते हैं। तो 3-4 आपको लाइनें नहीं लिखनी, सिंपल अपना माइंड यूज करना है, हार्डली आपको लिखने में पूरी मेहनत बर्बाद नहीं करनी है। स्टडी स्मार्टली नॉट हार्डली, रीडिंग आपने 3 लाइनों की करी है लेकिन उसको आधे लाइन में कंप्लीट कर दो और इसमें आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो इस तरीके से जब भी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी थियोरिटिकल फॉर्म को अवॉइड करके हमें उसको एरो में रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें किसी ना किसी एरो रिप्रेजेंटेशन का यूज करके और ये जो आपकी डेफिनेशन है इसको लिखना चाहिए, क्योंकि एरो वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये याद करना बहुत ईजी होता है, हमें थ्योरी जब हम एग्जाम टाइम में रिवाइज करते हैं क्या लिखा था क्या लिखा था क्या लिखा था, थ्योरी हमें बहुत मुश्किल से याद आती है,
लेकिन जो डायग्राम्स होते हैं और जो इस तरीके के एरो वाले रिप्रेजेंटेशन होते हैं ये हमें बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। तो ये एक काम हमें करना है जो हमारे कॉपी के नंबर ऑफ पेजेस को भी कम करेगा, प्लस नंबर ऑफ पेजेस को क्या करेगा, कम करेगा, और हमें मेमोरी मेमोराइज करने में क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक जब भी स्टार्ट करो तो 3-4 लाइन जो है अपने डेफिनेशन में या बाकी के फालतू इंट्रोडक्शन में मत वेस्ट करो, जो काम की बात है उसे लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली काम की बात से क्वेश्चन आता है, पूरी रामायण और पूरी महाभारत से क्वेश्चन कभी नहीं आता है। मतलब अगर आपकी बुक एक पैराग्राफ लगाती है एक लाइन समझाने के लिए, तो आपको अपने नोट्स में सिर्फ वो लाइन का जो समराइज व्यू है जिसमें सारी बातें छुपी हुई हैं सिर्फ उसको लिखना है, ना कि के पूरे पैराग्राफ को एज इट इज आपको नोट करके जाना है, क्योंकि आप यहां पे एक ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, ना कि के एक सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो। अब अगर हम लोग बात करें कि डेफिनेशन के बाद हम लोग और क्या क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान दे सकते हैं, तो बेटा वो है आपका फ्लो चार्ट। आप लोगों को फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में तो फ्लो चार्ट बनाना बहुत ही आसान है। बायोलॉजी में जनरली क्या होते हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और हर प्रोसेस में आपके क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डाइजेशन, पहले खाना खाया, ये हुआ, वो हुआ, रेस्पिरेशन, आपका एक्सक्रीशन। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट तैयार करना है। क्या तैयार करना है बेटा, फ्लो चार्ट तैयार करना है। जैसे कि आप लोग ग्राम स्टेनिंग का टॉपिक पढ़ते हो, यस और नो, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको इसके बारे में चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसको ऐसे मल्टी स्टेप में लिखो, या कोई भी रिएक्शन है, आप कोई भी रेस्पिरेशन में रिएक्शन पढ़ते हो, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, आप हर चीज को थ्योरी लिखना बंद कर दो, बल्कि वो जो रिएक्शन आप लिख रहे हो, वो जो चार्ट आप बना रहे हो, उसी चार्ट को कंप्लीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आपकी बुक में आधी बातें तो चार्ट में लिखी होती हैं, आधी थ्योरी में, लेकिन आपको क्या करना है, इसी चार्ट में जो अपनी एक्स्ट्रा जो थ्योरेटिकल बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वो अपने नोट्स में चार्ट में ही ऐड करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो चार्ट है वो कंप्लीट तैयार होगा, आपको उसके अलावा कोई और थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, और आपका जो बर्डन है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो हमें हमेशा कंप्लीट डायग्राम्स बनाने चाहिए, कंप्लीट फ्लो चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि बेटा अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, आप लोग जो है एनसीईआरटी देखते हो या कोई भी बुक देखते हो, जो बॉटनी के बच्चे हैं जनरली उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें पूरा थ्योरी लिखी रहती है कि पॉलिनेशन 3 टाइप के हैं और उन तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स ये हैं, डेफिनेशन ये है। आप इस एक पन्ने की थ्योरी को 3-4 लाइन में खत्म कर सकते हो। यहां पे सिंपल ऐसे एरो देके अपना डायग्राम बना लो कि जो आपका पॉलिनेशन है वो 3 टाइप का है, उन तीनों टाइप को ऐसे लिख दो, और इनके बारे में जो 2-2 लाइन की डेफिनेशन लिखी है उन्हें 2-2 वर्ड में खत्म करने की कोशिश करो। जैसे कि ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, अगर एक सेम प्लांट के सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं, तो सिंपल लिख दो सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। ज़िटोनोगैमी में क्या होता है, फ्लावर जो है वो डिफरेंट होता है, प्लांट जो होता है वो सेम होता है, और ज़िनोगैमी में तो प्लांट ही क्या हो जाता है, डिफरेंट। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज नोट तैयार करने चाहिए। फ्लो चार्ट का मैक्सिमम यूज करो, फ्लो चार्ट बहुत जल्दी याद होते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी। थ्योरी भूलने में क्या होता है, थ्योरी भूलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी चीज का, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। क्या काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आपको कभी भी जो आपकी गलती है, जो आपकी मिस्टेक है, वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमाइज। क्या हो जाएगी, आपकी जो मिस्टेक्स है बेटा वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि आप ये याद रखोगे, अरे इस टॉपिक का जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था तो मैंने 10 स्टेप लिखे थे, लेकिन एक स्टेप में कहीं भूल रहा हूं, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन गलत होने का चांस है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एग्जाम में जो छोटी छोटी गलतियां करके आते हो ना, वो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप हर टॉपिक का नंबर ऑफ स्टेप याद रख सकते हो। जब आप किसी चीज की नोट मेकिंग करते हो, उस चीज को बार बार रिवाइज करते हो, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि मैंने अपने इस टॉपिक में इतनी रिएक्शन लिखी थी, इतने स्टेप में इसको कंप्लीट किया था, मुझे 5 याद आ रहे हैं, मतलब मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूं। लेकिन जब थ्योरी पढ़ते हैं तब ऐसी गड़बड़े, हम जो हमारी गलतियां हैं वो हमसे पकड़ी नहीं जाती। यस और नो, मानते हो ना मेरी बात, एग्री करते हो ना। तो हमें यहां पे हमेशा ही फ्लो चार्ट का यूज करना चाहिए। नंबर 3, और कैसे हम लोग थ्योरी से मैक्सिमम अवॉइडेशन लेके हम लोग अपना जो नॉलेज है उसको और अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेटा वो है आपका डायग्राम फॉर्म। हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला जो है डायग्राम तैयार करना चाहिए हर टॉपिक के लिए। जरूरी नहीं है डायग्राम बुक में दिया होगा, हम लोग अब इतने कैपेबल हैं, हम BSc MSc के स्टूडेंट हैं, हम अपने हिसाब से एक इमेजिनेटरी डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हैं।
देखो जैसे कि आप लोग सेल साइकिल पढ़ते हो तो आपको सिर्फ इतना सा या डायग्राम बनाते हो कि अच्छा ये G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये M फेज है, M फेज को 4 फेजेस में डिवाइड कर दो, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और बस यहाँ पे बस ये डायग्राम बना के कंप्लीट कर दो। लेकिन बेटा आप सब कुछ इसी डायग्राम में लिखो, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इस डायग्राम को बड़ा बनाओ और यहीं पे S फेजेस के ऐसे पॉइंट्स लिख दो कि S फेज में जो है वो DNA रेप्लिकेशन होता है, S फेज में जो है वो आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है, ऐसे ही G2 के बारे में सारी बातें लिख दो कि हिस्टोन कहाँ बनता है, RNA कहाँ बनता है, ऐसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जैसे कि आपको पता है अलग अलग फेज में अलग अलग CDK और साइक्लिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सारी बातें भी इनमें लिख दो, किसका क्या रोल है वो सब बातें यहीं पर लिख दो, आपका कोहेसिन डिग्रेडेशन कहाँ पे होता है, सारी बातें जो जो फेजेज है इसको ऐसे एरो करके यहाँ बॉक्स बना के 5-5-6-6 पॉइंट ऐड कर दो, तो आपको थ्योरी लिखने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ऐसे डायग्राम बना के। तो हमें हर पॉइंट पे स्मार्टली नोट्स बनाने हैं, मतलब अगर मैंने सेल साइकिल के ऊपर 5 पेजेस पढ़ ली हैं किसी भी बुक से, आपने किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, तो उन 5 पेजेस को मैं एक सिंगल पेज में बहुत ही स्मार्टली कन्वर्ट कर सकता हूं और डीप नॉलेज के साथ। यहां पे जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नॉलेज से जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, नहीं, तुमने बिल्कुल डीप नॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, तुम्हारे जो नोट्स हैं वो बिल्कुल डीप नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने रीडिंग कैसी करी है, हमने रीडिंग कंप्लीट करी है, रीडिंग में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सिर्फ नोट्स हमने क्या बनाए हैं, नोट्स हमने स्मार्टली बनाए हैं, मतलब हमने जो मेन मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, जो हमें याद रखना चाहिए, जो कंक्लूटिव पॉइंट है, हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ऐड किया है जो हमारी नॉलेज को शो करते हैं। अगर तुम्हें कहानी का सार पता है, इसका मतलब तुमने कहानी जरूर सुनी है, और कहानी तुमने सुनी है तो तुम सार अच्छे तरीके से अपने कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिंपली अगर तुम इस बात से कंक्लूजन निकालो, तो तुमने अगर कोई 600 पन्नों की बुक पढ़ी है, सेल बायो की लॉडिश पढ़ ली, लेंजर पढ़ ली, बायोकेमिस्ट्री की क्यूबे पढ़ ली, इम्यूनोलॉजी की, तो इन 600 पेज को बस 60 या 50 पेज में कंप्लीट कर दो, क्योंकि सारे पेजेस तो तुम्हारे भी काम के नहीं होते, एग्जाम तुमसे कुछ ही कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है, तो पहले तो अपना प्रीवियस ईयर देखा करो, नोट्स बनाने से पहले बिफोर नोट्स मेकिंग, नोट्स बनाने से पहले बेटा एक बार जाया करो और पूरा मुआयना करके आया करो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमसे किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, और उन उन टॉपिक को मार्क कर लिया करो अपनी बुक में कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक छोटी सी बात भी हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला NTA का ये फेवरेट टॉपिक है, आ गई बात समझ में, और उसी हिसाब से फिर अपने नोट्स बनाया करो। तो सबसे पहले आपका जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पता चला आपको ये बुक खोल के बैठ गए, आपने स्टार्टिंग के 10 चैप्टर पढ़ लिए और उन 10 चैप्टर में से सिर्फ 3 चैप्टर आपके काम के थे, तो ये सारी बेवकूफी नहीं करनी, और विद इन दीज 3 चैप्टर सारे टॉपिक आपके काम के नहीं होते, तो जो नेट वाले CSIR नेट ने आपको सिलेबस दिया है, जो MSc में का आपको सिलेबस मिला है, ठीक है, उसके हिसाब से आप पहले चैप्टर में टॉपिक टिक करा करो, फिर टिक करा करो कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी से क्या पूछा हुआ है, और उस हिसाब से अपना नोट्स का जो पोर्शन है वो डिसाइड करा करो, तभी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जब आप बायोलॉजी के नोट्स बनाएंगे। और लास्ट बात है, आपको सिंपल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको पूरा इंग्लिश का सेंटेंस, ग्रामर का सेंटेंस, कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो, इंग्लिश स्ट्रांग हो, ये सब के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है, बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करना है। जैसे कि आप लोग सुनते हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स के अंदर बेटा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आप लोगों को पता है आपका जो फ्रूट है वो किससे बनता है बेटा, फ्लावर से, फ्रूट आपका किससे बनता है बेटा, फ्लावर से। तो सिंपल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि फ्लावर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ऐसे दे दो बस, फ्लावर से फ्रूट बनता है, आपका जो ओव्यूल है ओव्यूल से सीड बनता है, इस तरीके से आप लोग इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट आपको लिखना है, इसी को कहते हैं नोट मेकिंग। और ये जो नोट्स है बेटा ये आपके कंप्लीट नोट्स है, आप ये मत समझो कि हमने हजार पेजेस को सिर्फ 50 पेज में या 70 पेज में कंप्लीट कर दिया तो ये इनकम्प्लीट नोट है हमारे, नहीं, ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं जो आपको एग्जाम टाइम में इस पूरी बुक को पढ़ने से बचाएंगे और आपका सिलेक्शन दिलवा के जाएंगे। तो हमें 10-12 रजिस्टर भर के तैयार नहीं करने हैं, 10-12 रजिस्टर भर के हमें तैयार नहीं करने हैं, हमें सिंपल 3-4 रजिस्टर भर के अपने नोट्स कंप्लीट करके अपनी
की रैंक अचीव करनी है, इसी को बोलते हैं नोट्स मेकिंग। तो मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं कि अगर आपको बायोलॉजी में नोट्स बनाने हैं तो आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन को थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना है, बल्कि समझ में आए उस तरीके से लिखना है। रिप्रेजेंट बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, फ्लो चार्ट मैक्सिमम बनाइए, डायग्राम जो है वो आप लोग बिल्कुल कंप्लीट बनाइए, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखिए। अगर पूरी कहानी सुनाई हुई है तो उस कहानी को मत लिखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें लिख के अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए। सो दिस इज हाउ वी शुड मेक नोट्स फॉर बायोलॉजी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी अकेडमी फॉर मोर सच वीडियोस। और आपको कहां दिक्कत आती है पढ़ाई करते टाइम वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपका उसी के ऊपर लेके आऊं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बायोलॉजी अकेडमी, एंड एट लास्ट जस्ट शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।